सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आज हम अपने कक्षा 12 के सभी विषयों की श्रृंखला में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, अर्थशास्त्र एक परिचय। आज से अर्थशास्त्र भी इस चैनल पर क्रमवार होगा। देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर सबसे पहले पढ़ें, लेसन नंबर 1 है कक्षा 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद पाया जाता है। अतः प्रोफेसर केज को कहना पड़ा कि राज्य अर्थव्यवस्था में परिभाषाओं से अपना गला घोट दिया है। देखो, राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोट दिया है, ऐसा प्रोफेसर केज ने कहा है। अर्थशास्त्र के बारे में इतनी सारी परिभाषाएं इसकी निकल के आई हैं। अर्थशास्त्रियों की बहुत अधिक परिभाषाओं की कठिनाई से बचने तथा अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। देखो, बहुत सारे लोगों का अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग कहना है, तो 4 भागों में बांट कर अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले है धन केंद्रित परिभाषाएं। एडम स्मिथ, जेबी और वॉकर इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने ऐसी परिभाषाएं दी जिसमें धन पर बहुत जोर दिया गया। यानी कुछ परिभाषाएं तो अर्थशास्त्र की ऐसी आएंगी जो धन केंद्रित होंगी। उसके बाद दूसरी आएंगी कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। मार्शल, पीगू, केनन इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने ऐसी परिभाषाएं दी जिनमें मनुष्य के भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण पर जोर दिया गया, यानी उसका भौतिक कल्याण कैसे हो, आर्थिक कल्याण कैसे हो। आगे है सीमितता केंद्रित परिभाषाएं। देखो, मतलब सीमित चीज़ों के लिए, साधन से लिए। रॉबिन्स तथा कुछ अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ऐसी परिभाषाएं दी जिसमें साधनों की सीमितता से प्रभावित होने वाले मानव व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कितने साधन की जरूरत है, कितने साधनों तक मानव को सीमित रहना चाहिए, ये उसकी है। नंबर 4 आएगा लास्ट में, विकास केंद्रित परिभाषाएं। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे प्रोफेसर सैमुअलसन ने ऐसी जिसमें मैक्रो अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विकास अर्थात अर्थव्यवस्था के साधनों में विकास पर जोर दिया। यानी उन्होंने कहा कि विकास कैसे किया जाए अर्थव्यवस्था का, इससे केंद्रित संबंधित परिभाषाएं हैं। अब किसकी क्या परिभाषाएं हैं वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल तुम्हें इसे समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर ले, क्रमवार नोट्स चलेंगे।